गर्मियों के दिन चल रहे हैं और मार्केट में बहुत सारे खट्टे आम आ चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ तीखी और खट्टी चटाकेदार चटनी की रेसिपी शेयर करूं, जिसे खाने के साथ अगर खाएं तो खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं कच्चे आम की चटनी। कच्चे आम की लाल चटनी बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें यूज होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिस्ट डाल दूंगी, कौन सी चीज कितनी ली है तो आप वहां से चेक कर सकते हो। हमने क्या करना है, कुछ चीजों को यहाँ पर पहले ऑयल में हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। और मिर्ची जो है, यहाँ पर मैंने जो मिर्ची ली है उसे इस तरह से मैंने आधा घंटा पहले थोड़े से गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। तो चलिए सबसे पहले जिन चीजों को हमने रोस्ट करना है ऑयल में, उन्हें हम रोस्ट कर लेते हैं। कढ़ाई को हमने रख दिया है गैस पे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच ऑयल के डाल रही हूँ। ऑयल को हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा धीमे कर देंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग की डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच यानी टीस्पून के हिसाब से 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच ही यहाँ पर मैंने सौंफ ली है, ये भी हम ऐड करते हैं। 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने सफेद तिल लिए हैं, ये भी हम डाल देते हैं। ध्यान देना है कि आपने फ्लेम जो है उसे बिल्कुल लो पे रखना है, नहीं तो सारी चीजें जो है जल जाएंगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो है, 2 टीस्पून यहाँ चने की जो रोस्टेड दाल होती है वो ली है, इसे भी हम डाल देते हैं। और इन चीजों को हम क्या करते हैं, लो फ्लेम पे ही इन्हें हम थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ऑयल डालने की वजह से फ्रेंड्स हमारी चीजें जो है अच्छे से इसमें भून जाएंगी, रोस्ट हो जाएंगी। और साथ ही में हमारी जो चटनी है 8 से 10 दिन तक आप फ्रिज में रख के इसे यूज कर सकते हो, ये खराब नहीं होगी। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हल्के आंच पे हमने रोस्ट कर लिया है। तो अब इसमें मैं डालने वाली हूँ लहसुन की कलियां। तो यहाँ पर मैंने 20 लहसुन की कलियां ली है, बहुत छोटा सा इसका नहीं है ये, तो इस तरह से आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज्यादा एडजस्ट कर सकते हो। तो अब हम लहसुन को भी जो है अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सारी चीजों को हमने यहाँ पर रोस्ट कर लिया है, आप देख सकते हो सारी चीजें जो है हल्की हल्की गुलाबी हो चुकी हैं, लहसुन भी जो है वो भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। हमने ये सारी चीजों को ठंडा कर लेना है थोड़ा, उसके बाद ही हम इसे कच्ची कैरी के साथ मिक्स करके इसकी चटनी बनाएंगे। तो इसे हम रख देते हैं और जब तक ये ठंडा होता है हम क्या करते हैं, कच्ची कैरी को काट लेते हैं। तो चलिए कैरी का पहले हम छिलका उतार लेंगे, हम इसका छिलका यूज नहीं कर रहे हैं इस चटनी में, तो इसको हम उतार लेते हैं। आज हम रेड कलर की चटनी बना रहे हैं तो हम इसमें हरा धनिया भी ऐड नहीं कर रहे हैं, पुदीना भी ऐड नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। और खाने के साथ अगर कुछ इस तरह से चटपटी सी चटनी मिल जाए तो खाने का स्वाद जो है और बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि कच्ची कैरी जो है वो खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। और मैं आज जो ये कैरी ले रही हूँ फ्रेंड्स, ये तोतापुरी कैरी है, ये ज्यादा खट्टी नहीं होती है। तो इसके अब हम पीसेस कट कर लेते हैं। बीच में से जो गुटली है उसे हम निकाल लेंगे। फिलहाल आजकल मार्केट में जो है कच्ची कैरी आई हुई है वो ज्यादा पकी हुई नहीं है, तो इसकी गुटलियां जो हैं वो भी सॉफ्ट हैं, तो हमने गुटली निकाल दी और इस तरह से हम कैरी के सारे पीसेस कर लेते हैं। तो चलिए हमने पीसेस कट कर लिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने लाल मिर्च भी जो है आधा घंटा पहले इस तरह से भिगो के रख दी थी। साथ ही मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच यूज कर रही हूँ। हमारी रोस्ट की हुई सारे इंग्रेडिएंट्स भी ठंडे हो चुके हैं तो चलिए इन्हें अब हम पीस लेते हैं। मिक्सर के जार में सबसे पहले मैं जो कैरी काट के रखी है वो डाल देती हूँ। इसी के साथ हमने जो ये मिर्ची भिगो के रखी थी ये भी हम पानी में से निकाल देते हैं। और हमें पानी भी थोड़ा सा यूज होगा पीसने के लिए, तो पानी को हमने फेंकना नहीं है। साथ ही मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच काला नमक ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, इससे जो चटनी है बहुत टेस्टी बनती है, टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। साथ ही में हम स्वाद के अनुसार थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करते हैं, नॉर्मल वाला जो हमारा नमक होता है वो। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब फ्रेंड्स ये जो हमने सारी चीजें रोस्ट करके रखी हैं ये भी हम इसमें डाल देते हैं। सारी रोस्टेड की हुई चीजें भी हमने इसमें डाल दी है। तो अब हम क्या करते हैं, जो मिर्ची का जो पानी था इसमें से हम थोड़ा पानी पहले डालते हैं और पीस के देखते हैं इसे, अगर जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब पानी डाला है, तो चलिए इसे अब मैं पीस लेती हूँ।
चटनी यहाँ पर हमारी पिस चुकी है, बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। दोस्तों मैंने आज यहाँ पर जो कच्चा आम यूज किया है वो तोतापुरी आम है, तो वो ज्यादा खट्टा नहीं होता है, इसलिए मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली है। अगर आप खट्टे वाला कच्चा आम यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी है ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं बाउल में। चटनी को यहाँ पर मैंने एक बाउल में निकाल दिया है और फ्रेंड्स हमारी ये जो चटनी है बहुत ही टेस्टी बनती है, खट्टी और तीखी है, ये चटाकेदार बनती है। खाने के साथ अगर प्लेट में ये चटनी भी आ जाए तो खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज आप सबसे पहले देख सकें।